अनूपपुर जिले के नवगठित नगर परिषद झूमर कछार से वार्ड नंबर 12 के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौरसिया ने निर्विरोध पार्षद निर्वाचित होकर अपनी राजनीति पारी का स्वर्णिम आगाज किया है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जेलून सहित 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र बुधवार को वापस ले लिया। इसके कारण सुनील चौरसिया निर्विरोध निर्वाचित हो गए। यहाँ पर यह बता दिया जाए कि कोयला अंचल क्षेत्र के चर्चित पत्रकार आरटीआई एक्टिविटीज एवं कोयला अंचल टाइम्स के संपादक के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। सुनील चौरसिया कालरी क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी एवं मजदूरों के हक की आवाज हमेशा से बुलंद करते नजर आए। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद जहां उनकी राजनीति पारी का स्वर्णिम आगाज माना जा रहा है, वहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि वह आगामी नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भी निर्विरोध निर्वाचित हो जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर पे हमारा अनूपपुर जिला है और अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पे हमारा ये नगर परिषद डूमर कछार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिषद का गठन किया था और दोबारा सरकार जब बनी तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर परिषद होने के बाद हमारे गाँव ये नगर का विकास होगा और यहाँ के लोगों ने भाईचारे का परिचय देते हुए डूमर कछार के सबसे बड़े वार्ड से वार्ड क्रमांक 12 से मैं भाजपा का प्रत्याशी था और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में कार्य हुए हैं उनसे प्रभावित होकर हमारे सदस्यों ने वार्ड के पर अभ्यर्थियों ने भाजपा की सरकार से नीतियों से बहुमत देते हुए हमारी मदद की है और मुझे वार्ड के लोगों ने निर्विरोध चुना है। सभी प्रत्याशियों का डूमर कछार के वासियों का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।